शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के तीन दलों वाले महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सूत्रधार माने जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया कि बीजेपी कभी अपनी सहयोगी शिवसेना को खत्म करने की फिराक में थी। पवार ने दावा किया कि इसका कारण यह था कि बीजेपी का मानना था कि वह शिवसेना को खत्म किए बिना राज्य में निर्विवाद वर्चस्व हासिल नहीं कर सकती। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के तीन दलों वाले महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सूत्रधार माने जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया कि बीजेपी कभी अपनी सहयोगी शिवसेना को खत्म करने की फिराक में थी। पवार ने दावा किया कि इसका कारण यह था कि बीजेपी का मानना था कि वह शिवसेना को खत्म किए बिना राज्य में निर्विवाद वर्चस्व हासिल नहीं कर सकती। शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी के तीन दलों वाले महाविकास आघाड़ी गठबंधन के सूत्रधार माने जाने वाले एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने दावा किया कि बीजेपी कभी अपनी सहयोगी शिवसेना को खत्म करने की फिराक में थी। पवार ने दावा किया कि इसका कारण यह था कि बीजेपी का मानना था कि वह शिवसेना को खत्म किए बिना राज्य में निर्विवाद वर्चस्व हासिल नहीं कर सकती।